रुपयों को वापस लेने के बाद बोले गौतम अडानी, कहा निवेशकों का हित सर्वोपरि, नुकसान से बचाने के लिए लिया गया फैसला। अडानी की कंपनी के शेयर्स में भारी गिरावट। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में कल पेश किए गए बजट पर आज होगी चर्चा। बजट पर लगातार सरकार और विपक्ष के आ रहे हैं रिएक्शन। सरकार ने बताया मिडिल क्लास के लिए अच्छा बजट, तो विपक्ष ने दिशाहीन कहकर साधा निशाना। बजट को लेकर राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। उन्होंने बजट को मित्रकाल बजट करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मित्रकाल बजट में नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं है, महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं है, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान शुरू। असम में आज से होगी यात्रा। मिशन 2024 को लेकर जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज पहुंचेंगे सहरसा। नेपाल से अयोध्या पहुंचे शालिग्राम, स्वागत में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, जय श्री राम के लगे नारे। टीम इंडिया ने दर्ज की अपने T20 इतिहास की सबसे बड़ी जीत, न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-1 से हराया। रिलीज के 8 दिन बाद भी शाहरुख खान की फिल्म पठान का बॉक्स ऑफिस पर कायम जलवा। फिल्म अब तक कमा चुकी है 700 करोड़ से भी ज्यादा रुपए।